प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, यह हिंदी नवीन पल्लव चैप्टर 3। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने लेसन 1 में बिना मात्रा के शब्द और लेसन 2 में आ की मात्रा के शब्द पढ़े थे। इस चैप्टर 3, इस वीडियो में हम छोटी ई की मात्रा के शब्दों का अध्ययन करेंगे। छोटी ई की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है, छोटी ई की मात्रा जब हम लगाते हैं तो उस शब्द को हम कैसे पढ़ते हैं, इन सब बातों का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। यह है हिंदी नवीन पल्लव का लेसन 3, छोटी ई की मात्रा। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले दो अक्षर वाले शब्द, फिर तीन अक्षर वाले शब्द हैं और सभी शब्दों में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे पहला शब्द है सिर, स पर छोटी ई की मात्रा, सि र सिर। दूसरा चित्र है चित्र, च च पर छोटी की मात्रा, चित्र चित्र। और फिर उसके बाद तीसरा है दिन, द पर छोटी की मात्रा, दि न दिन। ये सभी दो अक्षर वाले शब्द थे। बच्चों, अब है तीन अक्षर वाले शब्द। पहला चित्र है सितार, स स पर छोटी की मात्रा, सि ता र सितार। उसके बाद है किसान, क पर छोटी की मात्रा, की सा न। अभी हमने इससे पहले चैप्टर में आ की मात्रा का अध्ययन किया था ना, अभी इसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। सितार, किसान। और उसके बाद तीसरा चित्र है माचिस, मा च पर छोटी की मात्रा, ची स माचिस। तो ये दो अक्षर वाले और तीन अक्षर वाले शब्द हैं। बच्चों, अब हम छोटी ई की मात्रा के चार अक्षर वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे। हिमालय, ह ह पर छोटी की मात्रा, ही मालय। हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत का नाम है। इसके बाद है बच्चों नारियल, ना री यल नारियल। और इसके बाद है गिरगिट, ग पर छोटी की मात्रा, गी र गी ट गिरगिट। तो एक बार मैं फिर से सारे शब्द पढ़ती हूँ, हिमालय, नारियल, गिरगिट। तो सभी बच्चे ये दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले शब्दों का अध्ययन बहुत अच्छे से करेंगे। बच्चों, अब हम स्क्रीन पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उच्चारण कीजिए। पिन, प प पर छोटी की मात्रा, पी न पिन। की ला किला, दि न दिन। लिख, गिन। गति, दिल मति। इस लाइन में सभी दो अक्षर वाले शब्द लिखे हुए हैं। बच्चों, अब दूसरी लाइन में तीन अक्षर वाले शब्द हैं, च च पर छोटी की मात्रा, ची राग चिराग। उसके बाद है म, म पर छोटी की मात्रा, मी ठास मिठास। किरण, टिकट, किताब, मिनट, चिड़िया, गिलास। बच्चों, आप दो अक्षर वाले और तीन अक्षर वाले शब्दों के बाद चार अक्षर वाले शब्द हम पढ़ेंगे। सा ई की ल साइकिल, प री वार परिवार, श नी वार शनिवार, किश मिश रविवार। रविवार के बाद है बच्चों रिम झिम, ना रियल नारियल,
परिमल। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अपनी हिंदी पल्लव की बुक में छोटी ई की मात्रा के दिए गए सभी शब्दों का अध्ययन करेंगे। बच्चों अब इसके बाद है पढ़िए। यहाँ पर भी सभी शब्द छोटी की मात्रा के दिए गए हैं। देखिए जो लाल शब्द लाल रंग से जो लगाई गई है वह है छोटी ई की मात्रा। रवि रवि, सितार सितार बजा रवि सितार बजा, निकिता गिटार बजा निकिता गिटार बजा, शिशिर किताब पढ़ शिशिर किताब पढ़, गिट पिट मत कर। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। रवि सितार बजा निकिता गिटार बजा शिशिर किताब पढ़ गिट पिट मत कर। अब इसके बाद बच्चों फिर से हम पढ़ते हैं। निमिषा बिटिया नाच दिखा, तिर किट धिन धिन धिन। एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ ये सेकेंड स्टंजा। निमिषा बिटिया नाच दिखा, तिर किट धिन धिन धिन। सभी बच्चे छोटी ई की मात्रा के जितने भी शब्द दिए गए हैं उनको पढ़ने का बार बार अभ्यास करेंगे। इससे आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होगी। और बच्चों आपका होमवर्क भी यही है, रीड द लेसन। तो सभी बच्चे इस लेसन को कम से कम दो बार होमवर्क में पढ़ेंगे।